सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों नमस्कार, यहाँ पे जो आप होम का प्लान देख रहे हैं 23x48 फीट साइज का प्लान है हमारे पास, ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, इस टाइप से आप बना सकते हैं जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। और दूसरा हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान रहेगा, ये रहेगा ऊपर का प्लान है, तो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का प्लान रहेगा। आगे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारा वॉक थ्रू के माध्यम से वीडियो को दिखा देता हूँ पूरा। और प्लीज़ आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये जो हमारा डिजाइन है आज का 23x48 फीट का, यहाँ पे देख ले वॉक थ्रू के माध्यम से पूरा का पूरा आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत कर देते हैं, अंदर चलते हैं। काफ़ी अच्छा डिजाइन है, आप इसको देखिए 14 से 16 लाख में कंप्लीट बना सकते हैं इस टाइप का। तो देख लें इसको यहाँ पे, ये आपका बाहर से दिखाई देगा इस टाइप का। अगर बाहरी बाउंड्री आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं तो बाहरी बाउंड्री कोई ज़रूरत नहीं है देने की। तो उसमें फ़र्क ये पड़ेगा कि आप जो आउटर साइड में आपके जो ग्लास विंडो और डोर है वो नहीं लग पाएंगे फिर। तो यहाँ पे हमने इस बिल्डिंग के अंदर पूरा वेंटिलेशन का ख्याल रखा है। यहाँ पे फ्रंट में हमने देखिए एक जो ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल होता है वहाँ पे उस टाइप का, यहाँ पे आगे टॉयलेट बाथरूम हमने आगे कर दिए हैं, बिल्कुल सेपरेट कर दिए हैं पूरे घर से। तो यहाँ पे फ्रंट में एक 4x4 का टॉयलेट है और 4x5 का एक बाथरूम है यहाँ पे देख लें आगे, जो कि ऊपर भी सेम डिजाइन रहेगा हमारा टॉयलेट बाथरूम का। और यहाँ से देखिए और आगे एक हमारा ड्राइंग रूम है, आप बेडरूम भी बना सकते हैं, यहाँ पे कार पार्किंग मिल जाएगी आपको 9x18 फीट एरिया में, और यहीं से आपकी जो सीढ़ियाँ हैं वो ऊपर की ओर जाएंगी। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं, ये हॉल होगा आपका और पीछे आपका लिविंग रूम हमने बनाया है एक बेडरूम के साथ, तो यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी। और ये हमारा जो मेन रूम है 14x12 फुट स्पेस का, यहाँ पे चलते हैं। अब इसको लिविंग रूम की तरह भी यूज कर सकते हैं, बेडरूम भी बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो 14x12 का साइज रहेगा, देख लें इसको यहाँ पे। और आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो पीछे का प्लान है, किचन है, वो हमने कहाँ कहाँ बनाई है। इसी रूम में हम देखिए जो टीवी वगैरह का सेटअप जो पूरा का पूरा कंप्लीट है वो आप लगा सकते हैं जहाँ भी आपकी इच्छा हो। तो काफ़ी एक स्टैंडर्ड साइज का आपको रूम मिल जाएगा। और उसके बाद चलिए यहाँ पे चलते हैं सीधा, ये आपका लिविंग रूम है बिल्कुल बैक साइड में, यहाँ पे आप लिविंग रूम बना सकते हैं। साइज 12x8.5 फिट है, यहाँ पे हमारा मैप में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वहाँ पे हमने 12x9.5 कर दिया, तो 8.5 फिट है ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। यहाँ पे 12x12 का हमारे पास पीछे बेडरूम होगा और बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट बाथरूम होगा। यहाँ पे देखिए इसको भी हमने टॉयलेट बाथरूम, उसको भी हमने पीछे की साइड निकाल दिया है। यहाँ से इस टाइप का आपका टॉयलेट बाथरूम रहेगा, ये जो रूम है हमारा उसके साथ अटैच होगा 12x12 फिट के रूम के साथ। तो पीछे बना सकते हैं वेंटिलेशन के लिए, इसके अंदर ऊपर हमने एग्जॉस्टर फैन दिया है, या फिर बाहर की तरफ आप रोशनदान भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता तो आप रोशनदान लगा सकते हैं। और जो हमारा मकान है इसकी हाइट हमने 11 फीट रखी है, आप इसको 10 फीट भी कर सकते हैं, अगर सिटी में है तो आप 9 फीट पे भी आप रख सकते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस है। तो चलिए यहाँ से फिर से बाहर चलते हैं। और यहाँ पे ये जो देखिए दरवाज़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये बिल्कुल बाहर की तरफ है हमारा यहाँ से। और ये है हमारी जो किचन है, किचन का साइज है 10x8 फीट है, एक देखिए सिंपल किचन हमने डिजाइन की है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांस नहीं की है, तो सिंपल किचन डिजाइन की है। और दोस्तों चलिए आपको साथ ही एक बात और बता दूं मैं, अगर आप हमारा चैनल के साथ जुड़ के हमसे कुछ सहायता लेना चाहते हैं किसी भी टाइप की, तो आप हमारे चैनल मेंबरशिप ले सकते हैं, 199 रुपये महीने से शुरू, तो वो ले लीजिए। अगर आपकी इच्छा, आप कुछ भी सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, एनिमेशन के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो हम फ़ोन पर आपको जानकारी दे सकते हैं महीने में 2 बार। और अगर आपके कंप्यूटर की कोई समस्या है तो वो भी हम महीने में 2 बार आपकी सॉल्व करेंगे, आपके ही पीसी से इंटरनेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए उस टाइम। तो चलिए देख लेते हैं, ऊपर आ गए हैं हम यहाँ पर, और जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर देखिए सीढ़ियाँ हमारी इस तरीके की रहेगी। यहाँ से चलते हैं ऊपर, आपको देखिए अगर डाइनिंग टेबल लगाना चाहते हैं ऊपर लगा सकते हैं, नहीं तो नीचे भी किचन के आगे
हाल है हमारा छोटा, वहाँ भी आपको स्पेस मिल जाएगा, वहाँ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ ऊपर लगा सकते हैं, सामने ग्रिल है, आप जो जाली देख रहे हैं, और यहाँ पे फिर उसी टाइप का हमारे पास बेडरूम है 14x12 फिट का। यहाँ पे हमने एक देखिए, नीचे हमारा बेडरूम बनाया था हमने, ऊपर लिविंग रूम बना दिया है। क्योंकि यहाँ पे आगे जो देखेंगे टॉयलेट बाथरूम मैं बता रहा था वैसे ही सेम जगह पे है दोनों। यहाँ से देखिए फ्रंट काफ़ी अच्छा दिखाई देगा, और ये जो टॉयलेट बाथरूम है वैसे ही 4x4 और 4x5 फिट साइज में आगे है। क्योंकि ये देखिए कमन टॉयलेट बाथरूम, इनको कोई भी आगे से ऊपर अगर आपका कोई गेस्ट वगैरह हो तो वो भी यूज कर सकता है, आप घर के जो मेंबर है वो सारे कोई भी यूज कर सकता है, यहाँ से बाहर से जा सकता है डायरेक्टली। तो यहाँ पे चलिए फिर से इसके अंदर से होते मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, एक बार देख लें बाहर का व्यू, आप बाहर का व्यू आपको कैसा दिखाई देगा। और अब चलिए सीधे चलते हैं पीछे के जो हमारे बेडरूम है वहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ। 2 बेडरूम हमने पीछे डिजाइन किए हैं, जो हमारे नीचे लिविंग रूम था उसके ऊपर एक डिजाइन किया है हमने, और एक दूसरी साइड हमने डिजाइन किया। जो नीचे का बेडरूम था वो पीछे का वो 12x12 का था, लेकिन यहाँ पे 12x10 और 12x10.5 का यहाँ पे हमारे पास एक बेडरूम, ये 12x हमारे पास बन जाएगा, और ये बेडरूम होगा यहाँ पे हमारे पास, ये 12x10.5 फीट में है, और जो दूसरा हमारा बेडरूम है वो 12x10 फीट में है, 12x10 और 12x10.5 फीट में हमारे पास दोनों बेडरूम सेम साइज के रहेंगे, लगभग 6 इंच का डिफरेंस होगा एक बेडरूम में। तो यहाँ पे ये यह हाल होगा, यहाँ पे आप चेयर वगैरह ऐसे कुछ लगा सकते हैं सीटिंग के लिए, और ये बेडरूम देख लें आपका यहाँ से, इसके अंदर भी है देखिए वेंटिलेशन का जो हमने जो पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड की है घर के अंदर। अगर आपका स्पेस थोड़ा 23x48 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो पीछे आप एरिया यहाँ पे खिड़कियाँ लगा सकते हैं, क्योंकि बाउंड्री वाला आपकी थोड़ी सी हटके हो जाए 6 या 7 फीट। तो ये पीछे का नज़ारा है आपका, और यहाँ भी हमने इस जो ऊपर का बेडरूम है इसके साथ भी टॉयलेट बाथरूम अटैच किया है यहाँ पे, जो कि नीचे था बिल्कुल सेम पोर्शन है। ऊपर किचन की जगह हमने हॉल रखा है, सिर्फ लिविंग एरिया बना सकते हैं उसको चाहे तो, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं ऊपर के प्लान में। तो ये देख लें बुक सेल्फ यहाँ पे आप बना सकते हैं, ड्रॉअर वगैरह लगा सकते हैं, और ये फिर से लिविंग रूम में, सॉरी हमारा जो डाइनिंग एरिया है वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए एक दरवाज़ा हमने बाहर की तरफ लगाया है साइड में, यहाँ से आप टेरेस पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे बालकनी है जो आपकी, यहाँ दिखा देता हूँ रोटेट करके थोड़ा सा, जो आपकी बालकनी है, बालकनी का यहाँ पे देखिए आनंद ले सकते हैं आप बिल्कुल। तो ये देख लें यहाँ पे, ये है बालकनी, और यहाँ से चलते हैं फिर से अंदर। तो काफ़ी एक अच्छा सोलो डिजाइन है, आप बना सकते हैं, चाहे इसको आप गांव में बनाएं शहर में बनाएं, काफ़ी अच्छी लुक देगा ये डिजाइन आपके लिए। और चलिए फिर से हम ऊपर चलते हैं ऊपर के फ्लोर पर। यहाँ पे देखिए सेकंड फ्लोर पे हमने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया है, यहाँ पे सिर्फ माउंटी बनाई है, ताकि एक तो घर को लुक भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी मिले, और एक सीढ़ियाँ यहाँ से हमारी कवर हो जाती हैं ताकि बारिश वगैरह का पानी जो है घर के अंदर ना जा पाए। तो यहाँ से हमने ग्लास विंडो, देखिए सारे घर के अंदर ग्लास डोर लगाए हैं हमने, आप चाहें तो जैसे भी आपकी इच्छा के अनुसार जो भी दरवाजे जैसे लगाना चाहें, स्टील के, वुडन, एल्यूमिनियम, जो भी लगाना चाहें वो मोल्डेड जैसे ही आपकी इच्छा हो वो लगा सकते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छा हमारा जो ऊपर से व्यू है। और दोस्तों अंत में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बाय रिक्वेस्ट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।